ना कष्ट ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, ना कष्ट ना तकलीफ तो क्या मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जी हाँ साथियों, अगर आपके भी सीने में आग लगी है मैथ सीखने की तो आप बहुत अच्छी जगह जुड़ चुके हैं। किसी भी काम करने के लिए, किसी भी काम को सफल बनाने के लिए सीने में आग लगानी होती है। और चलिए हम लोग भी आगे बढ़ते हैं बिना ज़्यादा टाइम गंवाते हुए। जीरो लेवल बेसिक मैथ हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट नंबर 3030 आप पढ़ेंगे। कक्षा 6 की NCERT मैथ है ये, जो कि सभी के लिए उपयोगी है। आज हम सबसे बेहतरीन टॉपिक लेके आए हैं वक्र यानी कि कर्व एंड काइंड्स ऑफ कर्व्स यानी वक्र के प्रकार और बहुभुज यानी क्या बोलते हैं इसे, पॉलीगॉन बोलते हैं ना। तो इनके हम गहराई से अंदर तक चलेंगे। चलिए देखिए कैसे। सबसे बड़ी बात है पहले कि वक्र होता क्या है, व्हाट इज कर्व। आपने बचपन में देखा होगा जब हम लोगों की पेन नहीं चलती थी, नई नई लेते थे, वैसे तो हम लोग 1 रुपये वाली रिफिल लेते थे, जब भर जाती थी तो वो सेम टू सेम, ये देखो मेरे पास है एग्जांपल, लिखो फेंको वाली नहीं, इसमें जब ये ख़त्म हो जाती थी तो 1 रुपये की ये रिफिल मिलती थी, फिर से ला के भर लेते थे और चलने लगती थी। तो इसमें क्या होता था साथियों, जब हम लोग लेते थे नई नई नहीं चलती थी, उसको ऐसे से गूँजते थे, आपने भी कभी किया होगा है ना। तो जो हम ऐसे ऐसे गूंजते हैं ऐसे ऐसे, तो ये क्या है, ये वक्र है। लेकिन हम उस समय नहीं जानते थे कि ये जो हम गूंज रहे हैं कॉपी में वक्र बन रहा है। हाँ बिल्कुल ये वक्र बन रहा है, इसी को कर्व कहते हैं। अब आप लोग कहेंगे ये दिमाग उमाग कुछ गड़बड़ है का, ये का बता रहे, लेकिन बिल्कुल सही है ये। देखिए इसमें होता क्या है ना साथियों, कोई भी जो भी टेढ़ी मेढ़ी या सीधी आप लाइनें खींचते हैं घुमादार, वो सभी क्या होती हैं, वक्र कहलाती हैं या कर्व कहलाती हैं। और इसमें कर्व अगर हम थोड़ा और गहराई में चलेंगे तो आपको अच्छे समझ में आएगा, ये 2 प्रकार का होता है, एक खुला होता है एक बंद होता है, खुला वक्र और बंद वक्र। देखिए अभी हम आपके सामने इसको प्रेजेंट करेंगे, आप जरा ध्यान से देखना। और हाँ यार, अभी तक जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया तुरंत कर दो यार, तुरंत कर दो, देर ना करो, ठीक ना। चलिए देखिए, ये मैंने एक आकृति बनाया, ऐसे गई, ऐसे 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 छोड़ दिया, ठीक। मैंने एक आकृति और बनाया जो ऐसे जाते हुए ऐसे गई, ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर यहाँ पर आके ये छोड़ दिया। ये आकृति नंबर बी है यानी फिगर नंबर ए और बी, देखो दोनों में क्या अंतर है, ये दोनों वक्र कहलाते हैं, दोनों को ही कर्व कहा जाता है, लेकिन दोनों में अंतर है। अब वो अंतर आप समझना क्या अंतर है। देखो हमने इस आकृति को बनाने के लिए यहाँ से स्टार्ट किया था ना, यहाँ से स्टार्ट किया था, मतलब ये क्या था, स्टार्ट पॉइंट था, और यहाँ पर इसको छोड़ दिया, ये क्या हो गया, एंड पॉइंट हो गया है ना। इस आकृति को बनाने के लिए हमने यहीं से स्टार्ट किया था और यहीं पर हमने इसको छोड़ा भी, दोनों में अंतर समझना। तो कहने का मतलब वो एक ऐसी आकृति जिसका एंडिंग पॉइंट या फिर एक ऐसा वक्र जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों एक ही होता है, वो खुला वक्र कहलाता है, नहीं वो बंद वक्र कहलाता है या क्लोज कर्व कहलाता है। और एक ऐसी आकृति जिसका एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं, वो खुला वक्र या ओपन कर्व कहलाता है। बात समझ में आई ना। इनके थोड़ा और भी हम गहराइयों में चलेंगे, लेकिन अभी आप पूरा देखो तब समझ में आई बात ना। आ गई तो यार क्लास को लाइक कर दो बाबू, निवेदन है, जल्दी से लाइक कर दो सभी फटाफट, जिससे कि हम इसे सफल बना सकें, जो ये हम आपको दिखाना चाहते हैं उसे दिखा सकें, जल्दी करिए। एक नया नाम आता है सिंपल व कर्व या फिर सरल वक्र, इसे भी ध्यान देना। वक्र 2 प्रकार के होते हैं, खुला वक्र और बंद वक्र, लेकिन इसमें एक तीसरी मुसीबत आ जाती है जिसे कहा जाता है सरल वक्र। अब ये सरल वक्र क्या होता है, इसमें सरल क्या है, कठिन क्या है, जरा ध्यान देना। देखो ए बी सी 3 चित्र आपके सामने दिख रहे हैं, तीनों में अंतर दिख रहा है। आप कहोगे ये ओपन वक्र है, ये क्लोज वक्र है, सही बात है। फिर क्या ये सरल वक्र है, नहीं। एक ऐसा वक्र जो कभी खुद को ना काटे, देखो जैसे ये यहाँ से चला था भाई, ऐसे चला था, देखो ये काट रहा है, ये देखो बी पर, सी पर और डी पर, ये 3 जगह एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ना, काट रहा है ना। तो जो वक्र एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट करेगा वो सरल वक्र नहीं होगा। इसके अलावा ये सरल वक्र है, ये भी आपका क्या है, सरल वक्र है, आप लोग बताओ।
चलो ये मैं बताने वाला भी नहीं हूँ। बी वाला तो सरल वक्र है या नहीं है ये कंफर्म है, सी वाला भी मैंने बता दिया। अब आप कमेंट करके बताना कि ए वाला सरल वक्र है कि नहीं है। अगर आपको लगता है तो यस लिख के कमेंट करना, लगता है नहीं है तो नो लिख के कमेंट करना, और कमेंट करोगे तो हम आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। तो इतना करना जरूर, ठीक ना? और हर कोई करेगा अगर सीखना है तो। बहुत ही गौर से देखो, बहुत कुछ है अभी। बहुभुज पहचान लेते हैं, कभी ना भूलने वाला तरीका, जिंदगी में ना भूलोगे यार। बहुभुज क्या होता है, व्हाट इज पॉलीगॉन्स? हमने आपको बताया था लाइन सेगमेंट, लाइन और रे, किरण, रेखा और रेखाखंड, ये सब पढ़ाया था ना हमने आपको। ये भी बताया था कि अगर ये सीधा सीधा खींचा गया है, और भाई साहब अगर ये इधर को भी एरो लगा है, इधर को एरो लगा है, तो ये रेखा है। अगर हमने इस पर दो बिंदु को पकड़ लिया जिनके नाम पी क्यू रख दिया, ये इसके दो मतलब इसमें से टुकड़े निकाल लिए, तो ये रेखाखंड है। रेखाखंड एक निश्चित पार्ट होता है, जबकि रेखा अनंत होती है। रेखा दोनों तरफ बढ़ सकती है, रेखाखंड दोनों तरफ को नहीं बढ़ सकती है। जैसे मैंने ये मार्कर लिया है, अगर मैं इसका बीच का पार्ट तोड़ के निकाल लूँ तो इस मार्कर का वो एक खंड हो गया, उसी तरह से रेखा का एक खंड है ना? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि एक ऐसी आकृति जो सिर्फ रेखाखंडों से बनी होती है वो बहुभुज कहलाती है। अब ये बताओ, इसमें तीन आकृति हैं ए बी सी में कौन कौन सा बहुभुज है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट हर कोई बताएगा। क्वेश्चन नंबर मान लो इसको, चलो 10, 10 नंबर कोड डालना और कमेंट करके बताना ऐसे, 10 ए बी सी या 10 ए बी या फिर 10 ए या 10 सी, इसमें कौन कौन सी आकृतियां बहुभुज हैं, जल्दी बताओ। कोशिश करो, अगर करोगे ना तो बहुत कुछ होगा यार, उम्मीद से ज़्यादा होगा, लेकिन ट्राई करोगे तो कमेंट जरूर करिए। मुंह बना के बैठे मत रहिए, और ना कुछ नहीं होने वाला लाइफ में। ये लाइफ बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसको अगर ऐसे बने रहने दो। तब आप लोगों का जवाब होगा कि सर ए वाला और बी वाला बहुभुज है, ये सी वाला नहीं है। काहे नहीं है? क्योंकि ये रेखाखंडों से बनी हुई आकृति नहीं है। इसमें रेखाखंड कितना है अगर देखोगे तो एक लग रहा है ना, बाकी तो ये घुमाऊआ वाला है ना, ये बहुभुज नहीं है। अगर हम एक और भी आकृति आपके सामने बना दें तो बताओ क्या ये बहुभुज है? ध्यान से देखना, मैंने एक आकृति ऐसे बना दिया, ऐसे ऐसे, तो क्या ये बहुभुज है? ये बहुभुज नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें कर्व भी तो शामिल है, मतलब उसमें कर्व नहीं होना चाहिए। कर्व का मतलब आप जान रहे हो ना, ठीक ना? यानी ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, मतलब सीधी सीधी रेखाखंड होने चाहिए यार। रेखाखंड मतलब जान रहे हो आप लोग, तो ये होता है बहुभुज का कमाल। बहुभुज कई प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा है ना, बहुभुज कई प्रकार के होते हैं। देखो इसमें कुछ और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, उनको भी देख लेते हैं। भुजाएं, शीर्ष और विकर्ण बहुभुज के ये मुख्य पार्ट होते हैं। जैसे हमारे शरीर के मुख्य पार्ट हैं हमारे हाथ पैर मुंह नाक आँख कान ना, वैसे इनके ये मुख्य मुख्य पार्ट हैं। इनको ध्यान से देखो, ये होते क्या हैं, इनसे हम आपका परिचय करवाते हैं, चलो दोस्ती करवा देते हैं। देखो दोस्ती करोगे ना आप लोग। भुजाएं क्या होती हैं? बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड त्रिभुज, वो बहुभुज की भुजाएं होती हैं, समझ गए? तो ये रेखाखंड जो मिलके बने हैं ए बी बी सी, ये सी डी डी ई ए ई, ये सब क्या हैं? ये सब इस बहुभुज की भुजाएं हैं। परिभाषा लिख लेना कि बहुभुज को बनाने वाले रेखाखंड ही बहुभुज की भुजाएं कहलाती हैं। बात क्लियर? कभी ना भूलोगे अगर ईमानदारी से समझोगे तो यार। अगला है वर्टेक्स। वर्टेक्स को जिसको हिंदी में शीर्ष कहा जाता है, शीर्ष वो होता है जहां पर दो भुजाएं आके मिलती हैं। दो ही पॉइंट तो था ना, जहाँ दो भुजाएं मिलती हैं उनको शीर्ष कहा जाता है। जैसे ये देखो, बी हो गया, ए हो गया, सी हो गया, डी हो गया, जहाँ जहाँ ये दो भुजाएं आके मिल रही, देखो एक इधर से जा रही है, एक इधर से आके यहाँ संगम हो जा रहा है, तो ये वर्टेक्स कहलाते हैं। एक बड़ी मुख्य प्रॉब्लम है विकर्ण। विकर्ण को इंग्लिश में डायगोनल कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल बोलते हैं। अब देखो यार, ये डायगोनल होता क्या है? डायगोनल क्या होता है? एक शीर्ष को दूसरे शीर्ष से मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। भाई किसी का गड़बड़ हुआ है, अगर आप मेल जोल करा दोगे ना तो बड़ा पुण्य होता है आजकल, समझ गए ना? तो वैसे ही ये रेखा क्या है? ये रेखा विकर्ण कहलाती है। बड़ी अजीब विडंबना है, अगर ये रेखा बहुभुज में मिला रही तो विकर्ण कहलाती है, और अगर ये रेखा एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को वृत्त में मिलाती है तो इसे व्यास कहा जाता है। देखो सिचुएशन के आधार पर सिस्टम बदल जाता है, समझ गए ना? तो हर जगह एक ही रूल फॉलो नहीं होता है।
याद आ रहा कुछ ना? मतलब जो एक्टिविटी आप कर सकते हो अपने अपनों से, वो अलग गैरों से मत करना, नहीं तो बहुत कुछ हो जाएगा। समझ गए ना अब यहाँ पे क्या कहना था? ये समझ गए, शीर्ष भुजाएं और विकर्ण। साथ साथ में आपने जाने अनजाने में कुछ और भी चीज़ें सीख लिया जो आपको नहीं सीखना चाहिए। इधर देखो, ये है वृत्त, जो कि इसमें नहीं था, लेकिन मैंने जब शुरू किया तो बता देता हूँ। वृत्त में साथियों बीच में एक होता है मुख्य, जिसे सेंटर या केंद्र कहा जाता है, और अगर कोई रेखा केंद्र से होकर के आर पार जाती है तो उसे व्यास कहा जाता है। और ये केंद्र से लेकर के परिधि को मिलाने वाली रेखा त्रिज्या कहलाती है, मतलब OA, ठीक ना? अगर कोई रेखा इधर से उधर मिल रही है लेकिन वो व्यास को टच नहीं कर रही, सॉरी व्यास को नहीं, केंद्र को टच नहीं कर रही है, तो जीवा कहलाती है। और जो ये किनारे किनारे घूम रहा है ना गोला, इसे क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, जिसे सर्कमफ्रेंस कहते हैं इंग्लिश में। व्यास को इंग्लिश में डायमीटर कहते हैं, त्रिज्या को इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, जीवा को इंग्लिश में, बड़ी कड़ी अंग्रेजी है यार, मुझे पढ़ना नहीं आता है, ऐसे कुछ कहते हैं, है ना? तो आप लोग कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसी लगी, और दोस्तों में शेयर अवश्य करना यार। शेयर करोगे ना तो बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलते चलते आप लोगों से विनम्र निवेदन और प्रार्थना है श्रद्धा पूर्वक कि आप लोग इसे शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे। ये हम एक मुख्य सीरीज आपके लिए ला रहे हैं 0 लेवल की। अब कुछ अलग होगी, कुछ हटके होगी, क्लास छोटी होगी, लेकिन गागर में सागर होगी। तो जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना ज़्यादा क्लास को देखोगे यार, शुरू किया करो तो पूरा देखा करो यार, पूरा देखा करो, कम से कम ना देखा करो, चला के रखी दिया करो, लेकिन पूरा चलना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आप स्वीकार करेंगे, तो शेयर अवश्य करेंगे। तो साथियों फिर भूल गया था, चलते चलते जय हिंद, मिलेंगे फिर अगली क्लास में। अपना और अपनों का ख्याल रखना, और आना जरूर सुबह 7 बजे से, फिर से ऊपर नंबर दिए गए हैं, संपर्क करना।